नन्ही सी जान को इस खतरे को पार करके जाना है। कुछ घंटे पहले ही इस दुनिया में आंखें खोलने वाला ये नवजात बच्चा भी खतरे के मुंह से गुजर रहा है। तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं। मामले की जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल गुरुवार की सुबह चमोली जिले के लोहजंगवाण सड़क बुराकोट में प्रभावित हो गई, जिस वजह से वाण गांव के कर्जा तो के ग्रामीणों ने गर्भवती महिला को 1 किलोमीटर तक कुर्सी में बैठा कर पैदल गाड़ी तक पहुंचाया। आपको बता दें कि इस 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा में लोगों की जान से लेकर महिला की जान और महिला के पेट में पल रही जान को भी खतरा था। फंते नाले के ऊपर बल्लियों के सहारे ये लोग गाड़ी तक पहुंचे। इसके बाद गर्भवती किरण देवी को देवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां शुक्रवार सुबह करीब 12 बजे किरण ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद सुबह ही बच्चे को लेकर परिजन वापस गांव के लिए निकल पड़े, लेकिन घर जाते वक्त भी उसी राह से गुजरना था जो आते वक्त थी। उसी वही उफंता नाला, वही बल्लियां और वही खतरा। इस खतरे से वो नवजात बच्चा बिल्कुल अनजान था। इस नन्ही जान ने कुछ देर पहले ही इस दुनिया में दस्तक दी थी। ग्रामीणों ने बताया कि कैसे इस मुश्किल राह को उन्होंने पार किया। कल यहाँ पे किरण देवी जी को हॉस्पिटल भेजा गया था और कल रात को उनका 12:19 का ये लड़का हुआ और कल रात को ही यहाँ पे भयानक बारिश हुई और यहाँ पे पूरा वो जो लकड़ी का पुल बनाया था अस्थायी पुल वो बह गया था। आज हमने दोबारा से 2 पुल डाल करके ये पुल बनवाया, फिर ऐसे बच्चे को पार कराया। भगवान की दुआ रही, लालू देवता की कृपा रही। आपको बता दें कि लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। कहीं रास्ते बह गए तो कहीं पुल, कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं सड़कें बंद। ये बारिश लगातार तबाही मचा रही है। चमोली के कई इलाकों में बारिश के बाद खतरनाक मंजर भी देखने को मिल रहे हैं। लोहजंगवाण की सड़क का हाल बुरा होने से गर्भवती किरण देवी की मुश्किलें बढ़ चुकी थी, लेकिन गाँव वालों ने मसीहा बनकर गर्भवती को मशक्कत करके अस्पताल पहुँचाया। वहीं अस्पताल से लौटने के बाद भी ग्रामीणों को खूब मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर नवजात बच्चे और उसकी मां को सुरक्षित घर तक पहुंचाया। आपको बता दें कि इस वैकल्पिक पुल के चलते ही किरण देवी और उनके बच्चे को घर तक स्वस्थ लाया गया। ये बारिश अब पहाड़ों पर तांडव मचाने लगी है। रोजाना कुछ इसी तरीके की तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। चमोली से कमल नयन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।